सत श्री अकाल जी, तुसी वेख रहे हो अजीत वैब टीवी। अजीत खबरां दे अज दे इस बुलेटिन दे विच मैं कमलप्रीत सिंह तुहाडा सारयां दा स्वागत करदा हाँ। तो रोज़ाना की तरह आओ सब तो पहला जानते हैं अज दीआं चुनवीआं खबरां। किसान संघर्ष का साथ देने वाले आढ़तियां ते कारोबारियां दे दफ्तरां ते घरां च इनकम टैक्स विभाग वल्लों छापेमारी। जाखड़ ने कहा बयानबाजी छड़ के किसानां नाल सिंगू बॉर्डर ते जाके सीधी गलबात करन मोदी। कैप्टन की रिहायश का घराओ करन जांदे बेरोजगार अध्यापकां ते लाठीचार्ज। जिंदा हैंड ग्रनेड मिलन नाल इलाके च दहशत दा माहौल। लुधियाना च नवव्योहता लड़की नाल समूहिक जबर जना। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्थार ते बाकी दीआं अहम खबरां दी जानकारी। केंद्र सरकार वल्लों लियांदे गए खेती विरोधी काले कानूनां दे विरोध च देश भर दीआं जथेबंदियां वल्लों संयुक्त किसान मोर्चा बना के दिल्ली दीआं सरहदां ते संघर्ष कीता जा रहा है। इन्हां मोर्चियां च जिथे पंजाब तों वड्डी गिणती च किसान शामिल हो रहे हन, उत्थे ही किसानी किते नाल संबंधित अते किसान घोल नाल हमदर्दी रखण वाले बहुत सारे लोग तरह तरह नाल किसान घोल की मदद कर रहे हन। इस नूं लै के अज इनकम टैक्स विभाग वल्लों आढ़तियां अते कारोबारियां दे दफ्तरां ते घरां च छापेमारी की जा रही है। इस दी क्रांतिकारी किसान यूनियन वालों सख्त शब्दों में निखेधी की गई है। पत्रकारों के नाल गलबात करदे क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब दे सूबा प्रधान डॉक्टर दर्शनपाल ने दसिया कि जिथे केंद्र सरकार ने किसान विरोधी कानूनों रद्द करन तो टाला वटिया होया है, उत्थे इन्हां कानूनों सही ठहराउण लई प्रचार भी चला रही है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयानबाजी छड़ के किसानों नाल सिंगू बॉर्डर से जाके सीधी गलबात करन। चंडीगढ़ में पत्रकारों नाल गलबात करदे जाखड़ ने कहा कि जदों केंद्र सरकार यह मंदी है कि तिने खेती कानूनों च वह तरमीम करन नूं तैयार है, तरमीम करन तो बाद खेती कानूनों च पिछे कुछ नहीं बचता, तो फिर कानूनों नूं रद्द करन च की हर्ज है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए है कि सुप्रीम कोर्ट राही किसानों का मसला हल करने की बजाय वह फराक दिली नाल किसानों नाल सीधी गलबात करके मसला हल करन। जाखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते लोग हुण यकीन नहीं करनगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पहला किसानों का कर्जा माफ़ करने का वादा किया सी जो अजे तक पूरा नहीं किया गया। हुण कह रहे हैं कि तिने खेती कानून इस कारण लियांदे गए हैं ताकि किसानों की लंबे समय तो लटकती मंग पूरी की जा सके। जाखड़ ने स्पष्ट किया कि ये तिने कानून कारपोरेट घरानिया के पक्ष हन, पर प्रचार किसान पक्षी होने का किया जा रहा है। जाखड़ ने कहा कि पंजाब तिने कानूनों खिलाफ सब तो पहला संघर्ष कांग्रेस ने शुरू किया। श्रोमणी अकाली दल तो कानूनों खिलाफ बाद बोलन लग्या, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो हूँ भी प्रधानमंत्री के खिलाफ खुल के नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि साढ़े बजुर्ग मातावां भैन ठंड दिल्ली के बॉर्डर से डटे हुए हैं, पर केंद्र सरकार को उन पर कोई तरस नहीं आ रहा। देखो जिस ओहदे ते बैठे है वो प्रधानमंत्री दा ही जिहड़ा रुतबा है, जो उन्हां दी प्रेस्टीज है उस पोजिशन की, उस गल का ध्यान रखण ना रखण मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मैं लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर विश्वास रखता लोगों की आवाज़ है, किसी एक पार्टी के नुमाइंदे नहीं। जदों प्रधानमंत्री देश दे बने, देश दे प्रधानमंत्री है, सारी पार्टी लाइनों तो उत्ते उठ के ते सारा देश अज उन्हां को नहीं देख रहा है भी आ जिहड़ी इक गंभीर समस्या गलत नीतियां करके जिहड़ी आई खड़ी है उहदे उत्ते कोई ना कोई सार्थक कदम उठाणगे। पर जिस किस्म दे कल उन्हां दे बयान आए बहुत ही मैं समझदा चिंताजनक ते मंदभागे है, क्योंकि उन्हां दी जिहड़े उन्हां दा मेन फोकस सीगा उन्हां दा सीगा भी किसानां नूं भ्रमित कीता जा रहा है, अफवाहां फैलाईयां जा रही हैं, ते झूठ बोलिया जा रहा है। ते चौथी जिहड़ा पॉइंट उन्होंने कहा सीगा भी जो वायदे किए सी वह पूरे नहीं किए गए, जिहड़े लोग अज इत्थे धरना लाई जांदे है, जिहड़े इन्हां लोकां नूं उकसा रहे है, उहदे उत्ते मैं कुछ कोई भी गल कहण तों पहलां, क्योंकि मैं बड़ी उस पद दी गरिमा करदा, उस पद उत्ते बैठण दे नाते प्रधानमंत्री साहब नूं अपने उस पद दा भी ध्यान रखना चाहीदा सीगा, ते लोकां दे उत्ते लांछन लाण तों पहलां अपने पिछोकड़ ते निगाह मार के देख लैंदे। जिथे एक पासे पंजाब दी कांग्रेस सरकार वल्लों पंजाब दे किसानां नाल संघर्ष विच साथ देण दी गल कीती जा रही है, उत्थे दूजे पासे पंजाब दे बेरोजगार नौजवानां ते तशद्दद की जा रही है, जिसकी ताज़ा मिसाल अज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे पटियाला स्थित निवास का घिराओ करन जा रहे बेरोजगार ईटीटी टेट पास अध्यापक यूनियन ते पुलिस वल्लों लाठीचार्ज किया गया।
ਕੋਗਰਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਸੂੰਡੀਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਬ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਦਸੂਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। DSP ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ SHO ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੰਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ DSP ਦਸੂਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ HP-36 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਟੀਮ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਟੀਮ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬੰਬ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡਿਆਣੀ ਕਲਾਂ 'ਚ 5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਵਿਆਹਤਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ 'ਚ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ MBD ਮਾਲ ਨੇੜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮੰਡਿਆਣੀ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੋਸ਼ੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਾਕ ਮਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਪ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਗੁਰਬੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕਮਿਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫੋਨੋ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਦੋਸਤ ਉਹਦਾ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਲੀਅਸ ਵਿੱਕੀ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ ਐਲੀਅਸ ਮਨੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵਾਕਫ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੜਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ 7:30-8 ਵਜੇ MBD ਮਾਲ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਡਰੋਪ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੋ ਲੜਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਕਰਨ ਜੱਸੇ ਨਾਲ ਮਨੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮੰਡਿਆਣੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾਖਾ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਿਆਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ NRI ਦਾ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਅੰਡਰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਅੱਜ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 5,92,00,000 ਦੇ ਚੈੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅੱਜ SYL ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਤੁੜਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। SYL ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ 60 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ 60 ਪਿੰਡ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 6,10,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 95 ਜਾਂ 92 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁ�ਲ ਪਿੰਡ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ।
इस मौके गलबात करदे हां श्री दरबार साहब के हैड ग्रंथी भाई जगतार सिंह ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत नूं कदे भुलाया नहीं जा सकता। हर वर्ग के कौम के लोगों नूं मान सन्मान अते सुरक्षित जीवन लई गुरु महाराज जी की शहादत बहुत वड्डी देन है, क्योंकि गुरु महाराज ने अपनी शहादत दे के सिख ही नहीं सगों हिंदू धर्म की भी लाज रखी सी, जिस दे सदका गुरु महाराज नूं तेग बहादुर हिंद की चादर कह के भी याद किया जाता है। अज सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहीदी दिहाड़ा है। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों श्री दरबार साहब के समूह सिख संगत जथेबंदियां के सहयोग बड़ी भावना के साथ गुरद्वारा गुरु के महला विखे कार सेवा वाले महापुरुखों के सहयोग बड़ी भावना साथ मनाया जा रहा है। सतगुरु पातशाह जी ने तिलक जन्यू की राखी वास्ते अपने शीस का बलिदान दिता। जदों किसी वीर दे ब्राह्मणा ने आन के बेनती की महाराज आप कृपा करके साड़ी बाह फड़ो साडा धर्म बचाओ, तो गरीब रवाज सतगुरु तेग बहादुर साहब जी ने कहा कि जाओ शेर अफगान खान कह दो कि जे गुरु तेग बहादुर साहब जी मुसलमान हो जाए तो असं अपने आप ही इस्लाम कबूल करांगे। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी आप दिल्ली गए और सतगुरु पातशाह जी ने अनेक प्रकार के तसीहे दिते गए, पर हजूर अपने धर्म तो छिड़के नहीं और सतगुरु ने बाह इन्हां दी पगड़िए फिर दीजे बाहे ना छोड़िए वाला वचन जिहड़ा सी उह पूरा किया। सतगुरु ने अपने शीश दा सुदर्शन चक्र चला के औरंगजेब तंदुए दियां शरा रूपी तारा कट के हिंदू रूपी धर्म रूपी हाथी नूं सतगुरु जी ने संसार समुद्र विच डुबण तों बचा लिया सी। तो अज सतगुरु दा शहीदी दिहाड़ा है, मगर सुदी पंचमी समत 1732 विक्रमी नूं सन 1675 ईस्वी नूं सतगुरु पातशाह जी ने शहीदी प्राप्त की सी। अज समुचे संसार भर के अंदर नानक नाम लेवा गुरु के सिख सतगुरु जी का सो ये पावन दिहाड़ा मना रहे ने। सतगुरु कृपा करन सतगुरु जी नूं सुखान को श्रद्धा सत्कार अते प्रणाम है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बीबी जगीर कौर की अगवाई च गुरद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब विखे होने वाली शहीदी सभा नूं लैके प्रशासन नाल मीटिंग की गई। बीबी जगीर कौर ने दस्या कि दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह अते माता गुजरी जी की लासानी शहादत नूं समर्पित 25 दिसंबर नूं गुरद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब विखे श्री अखंड पाठ साहब आरंभ करवाए जाएंगे, जिन्हां दे भोग उपरंत 27 दिसंबर नूं विशाल नगर कीर्तन सजाए जाएंगे अते गुरद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहब विखे अंतिम अरदास होवेगी। उन्होंने दस्या कि शहीदी सभा दौरान 300 तो वध लंगर लगाए जाएंगे ते लंगर वालियां नूं हदायत की गई है कि वह अपने करोना टैसट करवा के लंगर वरतौन। इस तो इलावा श्रोमणी कमेटी वालों सेहत विभाग के सहयोग नाल विशेष टीमों का भी गठन किया जाएगा जो लंगर दौरान सेवादारां दे करोना संबंधी टैसट करनगे। बीबी जगीर कौर ने कहा कि किसानों के अंदोलन नूं श्रोमणी कमेटी वालों पूरा सहयोग किया जा रहा है अते किसानों की हर पक्षों सहायता की जाएगी। ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਲਈਏ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਲਾਉਣੀਆਂ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ
उस सारिया के संबंध में असी डिस्कस किया कि जिहड़ी जिहड़ी सरकार है इहदा पूरा सहयोग देवे और एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि बड़े सियाणप नाल बीबा जी साडे एस ए पी साहब एस पी साहब बाकी एस टीम सारे आए सीगे उन्होंने कहा भी कोई किसी किस्म की साडे वल्लों कोई कुताही नहीं हुंदी सो असी भी उन्होंने कहा कि साडे वल्लों कोई किसी किस्म का तुहानू रुकावट नहीं होएगी जिथे भी तुसी प्रबंध अच्छा कर सकते हैं वह करो सो सारे इतों लैके ज्योति स्वरूप गुरुद्वारे तक पूरे कैमरे अगे लगे हुए हैं पहला भी कैमरे लगे है तो 100-125 कैमरा होर लाने लगे ता जो कई कोई शरारत भी हो सकती है कोई किसी गल की हो सकती सो सारिया चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा 3-4 थावों के उत्ते वड्डिया पार्कां 20-20 किलो एकड़ा दी बना दी ता जो संगत जिधरों जिधरों आनी है उधर पास उनकी पार्किंग का प्रबंध किया जा सके। जगराओं के नेड़े पिंड सिद्धवा खुरद विखे बीती रात अनपछाते व्यक्तियों वालों गोलियां मार के एक नौजवान का कतल कर दिता गया। मृतक की पहचान रणधीर सिंह उर्फ धीरा के रूप में हुई है और 3 अनपछाते व्यक्तियों वालों मोटर से गोलियां मार के उसका कतल किया गया। DSP गुरदीप सिंह गौंसल ने मौके पर पहुँच के घटना वाली थान का जायजा लिया। अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिडारी कुलदीप सिंह उर्फ मानक जोधा की बीती रात एक हादसे में मौत हो गई। जानकारी अनुसार मानक जोधा बीती रात जदों अपने घर नूं स्कूटर ते परत रहा सी तां स्कूटर दे तिलकन दे नाल उसका सिर सड़क ते जा वज्जा। इस हादसे च उसकी मौके ते ही मौत हो गई। कुलदीप सिंह उर्फ मानक जोधा अपने पिछे पिता तो इलावा पत्नी अते दो बच्चे छड्ड गए हन। तो इस दाल ही अजीत खबरों का अज का यह बुलेटिन इतने ही खत्म होता है। कल तुहाडी खिदमत दे विच ताज़ा तरीन खबरों का एक होर बुलेटिन लैके असीं फिर हाजिर होवांगे। तद तक दे लई तुसीं वेखदे रहो अजीत वैब TV। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरों के लिए हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब की आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक के उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तों नू पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब TV। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल TV दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई-पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल तुहाडी अपनी आवाज़ पंजाब दी आवाज़ अजीत।